हेलो वेलकम, क्या आप कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग फॉर द 7 डेज एंड और आप परेशान है कैसे क्या कर सकते हैं? इफ यू आर प्लानिंग सो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, दैट इज द टूर आइटनरी। अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपकी क्या टूर आइटनरी रहेगी? Day 1 विल बी योर एयरपोर्ट अराइवल एंड local sightseeing. Second day will be a trip from Srinagar to Gurez. Third day will be from Gurez to back to the Gurez sightseeing and back to the Srinagar. Day 4 will be Srinagar to Gulmarg overnight stay. Day 5 will be the Gulmarg to Pahalgam overnight stay. Day 6 will be from Pahalgam and coming back to the Srinagar. And day 7 will be your airport departure. So this is the brief itinerary. So we'll be covering them one by one. Day 1, एयरपोर्ट अराइवल एंड लोकल साइट सीन। इस दिन आपका क्या रहेगा? जैसे आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे आएंगे तो ड्राइवर ट्रिप मोर का या जहां कहीं से भी आप बुक करेंगे, ही विल बी देयर एट द एयरपोर्ट एंड ही विल पिक अप यू फ्रॉम द एयरपोर्ट और आप अपने होटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। कमिंग टू द Day 2, इस दिन आपका रहेगा मॉर्निंग में फ्रेश होके श्रीनगर में उठेंगे, देन इट विल बी अ ट्रिप फ्रॉम श्रीनगर टू गुरेज दिस डे। और जैसे आप श्रीनगर टू गुरेज जाएंगे, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, यू कैन क्लिक ऑन द आई आइकन हियर और आप वो वीडियो देख सकते हैं। Day 3 की बात करें तो यू विल बी स्टेइंग इन गुरेज, सो गुरेज में आप आराम से ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके अपना दिन शुरू कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें थर्ड डे आपका रहेगा, आप जाएंगे गुरेज से होते हुए पहले आप जाएंगे हबा खातून टॉप, दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉप जैसे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे उसके आगे चश्मा भी है, चश्मा मीन्स स्प्रिंग, तो वहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, रियली स्वीट वाटर। यू कैन ऑल्सो, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वहाँ पे वो थोड़ा पानी के साथ खेल भी सकते हैं। उसके आगे कैरिंग फॉरवर्ड, तो उसके बाद आपको शेखपोरा आ जाएगा आगे, चकवाली आ जाएगा आगे, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड देन बाय द 1-2 बजे तक वापस आ जाएंगे एंड यू विल बी स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम द गुरेज टूवर्ड्स द श्रीनगर। तो उसको ऑन द वे आपको एक काफ़ी ब्यूटीफुल डैम आ जाएगा जो कृष्ण गंगा डैम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे आप फोटोज़, ब्यूटीफुल फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन कम बैक टू द श्रीनगर। Day 4 की बात करें तो इट विल बी योर श्रीनगर टू गुलमर्ग ट्रिप। तो आप मॉर्निंग में आराम से निकल सकते हैं जब भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि 50 किलोमीटर है, तो आराम से अगर आप 8-9 बजे के करीब भी निकलते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। कमिंग टू द Day 5, जैसे कि आपने गुलमर्ग का साइट सीन कर लिया होगा, तो उसके बाद अब Day 5 में हम करेंगे काम, गुलमर्ग से हम जाएंगे पहलगाम की ओर। सो टुडे इट विल बी गुलमर्ग टू पहलगाम, तो इसमें इट विल कम अराउंड लाइक 3 से 3.5 घंटे आपको लग जाएंगे। तो यू विल बी कीपिंग ओवरनाइट स्टे इन पहलगाम। तो पहलगाम में वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन है, तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। एंड उस दिन आप आरू वैली, बेदा वैली, चंदनवाड़ी का साइट सीन कर सकते हैं। वो वहाँ की लोकल गाड़ी लेते हैं, दैट कम्स अराउंड लाइक 2500 रुपीज़ फॉर लाइक 2-3 पर्सन, सो यू कैन गो फॉर दैट। Day 6 की बात करेंगे तो वेकिंग अप फ्रेश इन द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ पहलगाम, तो उसमें आप काम करेंगे, तो वहाँ पे आप पोनी ले सकते हैं जो बिल्कुल आपको होटल के बाहर ही रहेंगे, तो हो पोनीज लेके आप जा सकते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, बाईसरन, देवबन, कैनिमरक, ये सारी प्लेसेस आप जा सकते हैं। कमिंग टू द Day 7, टुडे विल बी योर एयरपोर्ट डिपार्चर। इट्स हार्ड टू से गुड बाइज बट वी हैव टू से इट एनीवे। तो उस दिन आपका डिपार्चर रहेगा, अगर आपका मॉर्निंग में डिपार्चर रहेगा लाइक 10-11 बजे, टू मेक श्योर टू लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट, लाइक अराउंड 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट के लिए निकल जाइए, एल्स वहाँ पे फिर टिकट्स का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट इज़ एन डिफेंस एयरपोर्ट, तो 3 बार आपका सामान चेक किया जाएगा। सो मेक श्योर टू जस्ट लीव 3 आवर्स अर्ली फ्रॉम योर हाउस बोट। और अगर आपकी आफ्टरनून या इवनिंग में फ्लाइट है तो उस दिन आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप सोविनियर खरीद सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, या बाकी सारी चीज़ें शॉप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें करके आप देन फिर सेम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कश्मीर टूर प्लान फॉर द 7 डेज एंड 6 नाइट्स। अगर अच्छा लगा होगा दिस वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर जो कश्मीर आ रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, एंड ये बेल आइकन दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, ताकि जो भी कश्मीर का अपडेट आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, अपना आपका टाइम अच्छे से रहेगा। नमस्ते।